कार जाने का रास्ता तो नहीं है ना आगे? गाड़ी जाता है आगे? अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो गए पहाड़ के रास्ते, और आपको रास्ते में दिखाते हैं, ये रास्ता कच्चा रास्ता है, देखिए बाइक वाले जा रहे हैं और हम लोग भी अपनी कार लेके निकल रहे हैं। वैसे यहाँ पर से आप देखोगे तो ये यहाँ पर रोड स्टार्ट है, थोड़ा सा रास्ता खराब है। वैसे आप गाड़ी लेके पहले मंदिर तक जा सकते हैं, जो सामने मंदिर दिख रहा है आपको। दोस्तों भुज्जी हिल्स जाने से पहले यहाँ पर एक और मंदिर पड़ता है, आइए दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं साथ में। तो दोस्तों देखिए हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में, आए हैं शेषनाग जी के मंदिर में, और जैसा कि आप देख सकते हैं गुजराती में यहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री भुजंग देव खेतर पार दादा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आए मंदिर में, पहला मंदिर ये पड़ता है रास्ते में, और हमने अभी शेषनाग जी के दर्शन किए और आपको भी कराते हैं। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर कुछ टिड्डे हैं, अलग ही प्रजाति लग रही है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा प्रजाति देख रहा हूँ, थोड़ा अलग कलर के हैं। देखिए क्या प्यारा कलर है इसका, ग्रीन और येलो कलर की कॉम्बिनेशन में इनका बॉडी कलर है, जिसकी वजह से ये पत्तों में दिख भी नहीं रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो दोस्तों अभी हमने देखा मंदिर, अब यहाँ से हम चल रहे हैं भुज्जी फोर्ट की तरफ। तो ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, जो आप सीढ़ियाँ लेके आप ऊपर जा सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर कैक्टस, अलग ही प्रजाति का कैक्टस है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों चढ़ाई है, काफ़ी चढ़ना है, सीढ़ियों वाला रास्ता है और हम चढ़ रहे हैं और आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों ऊपर चढ़ाई चढ़ते वक्त, वैसे बहुत बड़ी चढ़ाई है और ऊपर से कहते हैं सीढ़ियाँ बनी हैं, आगे से आप मुझे कच्चा रास्ता भी दिख रहा है, और यहीं पर हमें कुछ भाई लोग मिले हैं जो कि यहाँ के लोकल हैं। तो भाई लोग आप कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में और ये फोर्ट के बारे में, आपको कैसा लगा?
मंदिर पे हम घूमने शांतलपुर से आए थे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा स्थल है जो महाराज के ऊपर मंदिर है जो पूजा डोंगर जाना जाता है जी। वहाँ पर चढ़ने में बहुत अच्छा लगा, उधर भी कोई फोटोग्राफी का अच्छा बहुत वगैरह मौसम है। अच्छा, चढ़ने लायक बहुत पुरानी ऐतिहासिक जगह है जी जी। आप घूमोगे आपको एकदम अच्छा लगेगा, मजा आएगा, आप फिर दोबारा ना इधर चाहोगे। भुज का ये ऐतिहासिक स्थल है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी कच्छ भी गया था घूमने, अभी इसके बाद भुज आया हूँ, तो मैंने कहा पहले ये फोर्ट देख लेते हैं, यहाँ मंदिर भी है। अभी गए थे नीचे, मंदिर भी देखे। अभी इसे आज टाइम था क्या, शनिवार का, तो इसे घूमने के लिए आए थे। यहाँ पर हर बार घूमने आते ही रहते हैं जी जी। लेकिन घूमने लायक अच्छा स्थल, एक बार आओगे तो आप दोबारा आने का मन इधर करता है। ऐसा नहीं कि एक बार घूमे को दोबारा नहीं आएंगे इधर, एक आपको हर बार आने का मन करेगा। ऐसा ऐतिहासिक स्थल है इधर घूमने का। महाराज के नाम से जाना जाता है कि भुजिया डोंगर है, पूरंगनाग यहाँ महाराज स्थापित है। तो हर बार दर्शन करने आप जाओगे उधर, आपको मंदिर भी है, घुमाओ। और आप लोग कुछ बताएंगे कैसा लगा आपको? आपको बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, घूमने की बहुत अच्छी जगह है। जैसे अमिताभ जी बोलते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वैसा ही है। ऐसे क्या थोड़े चढ़ने में दिक्कत होगी पैर वगैरह को आपको? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ब्लॉग 0522 चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू। तो दोस्तों, रास्ते में जाते वक्त हमने यहाँ से देखा, अभी बीच में हैं हम, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू कितना ही प्यारा लग रहा है। पूरा भुज शहर यहाँ से दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा अभी माहौल है। मतलब वैसे भी कहते हैं इस वक्त बरसात का समय है, तो कहते हैं इस वजह से बादल लगे हुए हैं। आप देख सकते हो सभी जगह काले बादल छाए हुए हैं। अभी मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ, ऊपर लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद आपको और आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो चलिए साथ में, फिर उसके और देखते हैं क्या 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 आप देख सकते हैं ऊपर से। इस व्यू को मैं ऊपर से टॉप व्यू से भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ऊपर जाते वक्त हमें कुछ भाई लोग मिले हैं अपने यूपी के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो, जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महाकाल। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना ही प्यारा सीन दिख रहा है, और हम चलते जा रहे हैं चढ़ाई में। तो अभी बीच में सीढ़ियां गायब हैं, कुछ सीढ़ियां फिर उसके बाद स्टार्ट होती हैं। और कुछ भाई लोग यहाँ बैठे हैं, व्यू के मजे ले रहे हैं यहाँ पे से। और फिर यहाँ से सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं, हम फिर से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और ऊपर तक पहुँचेंगे। सीढ़ियों की काउंटिंग तो मुझे नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि सीढ़ियाँ बहुत हैं, तो ऊपर तक की चढ़ाई चढ़नी है। तो अभी चढ़ रहे हैं साथ में, और अभी ऊपर से हम आपको व्यू भी दिखाएंगे यहाँ का। देख सकते हो अभी ये मंदिर है जहाँ पर हम गए थे, शेषनाग जी का, और बहुत ही प्यारा मंदिर है शेषनाग जी का बना हुआ अंदर से। तो मौसम भी बहुत अच्छा है आज, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है इतनी, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। इसीलिए हमने प्लान किया कि हम यहाँ पर आएँ और यहाँ का ट्रैक करें, ऊपर मंदिर के भी दर्शन करें, और आपको यहाँ का व्यू भी दिखाएं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आप ऊपर से भुज का व्यू देख सकें जो कि हमें फोर्ट से दिखता है। वैसे तो हम उत्तराखंड वाले हुए, क्या कहते हैं, पहाड़ी तो चढ़ते रहते हैं, पर अभी बहुत टाइम से पहाड़ों में चढ़ा नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। वरना ये देखो हमारे दो भाई आगे हमारे चल रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे दोनों फौजी भाई हैं। हाँ, आप ही लोगों के सारे, हम भी चल रहे हैं। कैसा लग रहा है चंदला जी यहाँ पे? काफी आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत दिनों बाद पहाड़ की याद आ गई, और हरा भरा देख के गुजारने बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो यहाँ तो सूखे सूखे पेड़, सूखे नीम, सूखे बबूल, देखिए आप हरियाली को देखिए, ये काफी अच्छा लग रहा है।
आप यहाँ से भूख शहर को देखिए, आइए आपकी नज़रों से देखते हैं आज वो शहर को। लगता नहीं है कि यहाँ 2001 में तबाही हुई थी। आज देखो कितना शानदार शहर है। आप थोड़ा बताइए ज्योति जी को, भुज में भूकंप की त्रासदी की वजह से यहाँ के सामान्य लोगों को कितना नुकसान झेलना पड़ा था। कई लोग, लाखों लोग यहाँ, लाखों लोग बेघर हो गए थे, बेघर हो गए, बहुत बुरे हाल थे लोगों के। आज देखो फिर से हरा भरा हो गया ये शहर, देखो कितनी बेहतरीन लग रही है बिल्डिंग। एक चीज पुरानी है जो बीच में सामने आपको महल दिख रहा है, ये महल देखिए जो भूकंप से पहले भी वैसे ही था जैसा आज खड़ा है। अब तो हमें अपनी पुरानी सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए, कहते हैं ना वो नया 9 दिन पुराना 100 दिन। सही बात है। तो चले फिर यहाँ से। जी चलिए जोशी जी, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से निकल रहे हैं ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते, और आप लोगों को हर जगह से हम व्यू दिखाते रहेंगे, और जैसे कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आया हमारे वीडियो में। यहाँ पर कुछ भाई लोग और बैठे हैं। हेलो भाई, कैसे हैं आप? कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। कहाँ से हैं भाई आप? इधर से, भुज से। भुज से ही है? आप कहाँ से? मैं हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जी। भूकंप के बारे में कुछ बता सकते हो आप लोग? आप लोग सब दिख रहा है ना, वो सब विनाश हो गया था। अच्छा, पूरा टूट गया था भूकंप के टाइम। भूकंप के बाद ये सब सही था जी, तब भी ये सब पगड़िया बगड़िया सब सही था, सब वीरान हो गया भूकंप में। बहुत नुकसान हुआ होगा? बहुत बहुत हो गया था। मैंने सुना 1100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी उस भूकंप में। बहुत हो गया। तो दोस्तों जैसे भाई लोगों ने बताया कि ये भूकंप से बहुत नुकसान हुआ भुज में, और 1100 से ज़्यादा लोग, आई थिंक 1184 जो एग्जैक्ट काउंट था गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने दिया था, 1184 लोगों की डेथ हुई थी उस भूकंप में, जो कि भुज अब फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। तो ये सब त्रासदियाँ बहुत नुकसान पहुँचाती हैं जनमानस को, तो वो सब चीज़ें क्या कहते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हम ये ज़रूर कहेंगे जैसे यहाँ हरी भरी हरियाली है वैसे ही आप भी पेड़ लगाएं, जिससे कि कहते हैं ऑक्सीजन की कमी ना हो, और ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी वजह से ना हो, और इस तरह की त्रासदियाँ ना हो। भूज है जो वो 5 गेट के अंदर ही था। पहला गेट आएगा जकात नाका, फिर आएगा भीड़ गेट, इससे आगे जाओगे तो सरपट गेट, फिर इससे जाओगे आगे तो पाटवाड़ी गेट, फिर महादेव गेट, फिर वाणियावाड़ गेट। 5 गेट था, पूरा भूज उसके अंदर ही था, और पूरा गढ़ बना हुआ था, जैसे ये बना हुआ है पूरी दीवार है इस टाइप का, पूरा गढ़ बना हुआ था उसके अंदर का ही था भुज। अभी ये भुज बाहर है, पूरा भुज की बाहर है अभी, ये सब बाहर है। अच्छा, ये सब बाहर है? हाँ सब बाहर है, जो भी था वो अंदर ही था। बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं फोर्ट के बाहर। अभी ये देखिए आप, यहाँ पर कुछ पत्थर हैं जो कि कहते हैं एकदम जो समंदर के पास आपके पत्थर रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले व्लॉग में गोवा में दिखाया था अंजुना बीच के पास जो पत्थर थे, पत्थर लग रहे हैं जैसे समंदरों के पास पत्थर मिलते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं, और उन पत्थरों से इनका चुनाई की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक कुंडा भी लगा हुआ है, ये इसलिए है मे बी पहले के टाइम पे यहाँ पर एक दरवाज़ा रहा होगा जिसको कहते हैं बंद करने के लिए ये कुंडा लगाया गया होगा, ठीक ही कहते हैं, उससे कोई भी अगर फोर्ट के अंदर आता है तो वो पहले उस दरवाजे से वो अंदर ना आ पाए, और ये यहाँ की प्रोटेक्शन, फर्स्ट प्रोटेक्शन ये रहा होगा मेरे हिसाब में। उसके बाद फिर आइए चलते हैं, आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या है इस फोर्ट में। दोस्तों मेन एंट्रेंस से अंदर आते ही आपको यहाँ पर क्या कहते हैं एक बड़ा सा पत्थर दिखता है, और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से पूरा शहर का व्यू आ रहा है। और उसके बाद यहाँ से ये देख सकते हैं आप सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि ये आप आगे तक जाती हैं, और सीधे आप देख सकते हो फोर्ट कहाँ तक जा रहा है।
मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ जिससे कि आपको दिखे कि ये सीढ़ियाँ कैसे जा रही हैं यहाँ से। ये दीवार सीधे आगे तक जा रही है और आप देख सकते हो, मैं आपको हर व्यू दिखाऊंगा जितना मैं अपनी तरफ से जा सकता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए और आप मेरे साथ पूरे का पूरा फोर्ट घूम सकें। तो ये देखो आप, यहाँ से क्या कहते हैं, ये फोर्ट सीधा, ये रास्ता सीधा आगे जा रहा है और जाते जाते आपको क्या कहते हैं, आगे आप देख सकते हो ट्रायंगुलर शेप में ये दीवार पूरी इस किले को घेर रही है। और उसके अलावा फिर लास्ट में आप सामने देख सकते हो ये सीढ़ियाँ आ रही हैं जो कि क्या कहते हैं, नीचे उतर रही हैं और एक नीचे से जा रही हैं। तो ये हो सकता है इसलिए बनाया गया हो कि जो भी यहाँ पर अटैक करने आ रहा है उसको चकमा देने के लिए पूरी आर्मी यहाँ से नीचे जा सकती है और उसके बाद वो पीछे की तरफ उस तरफ से बाहर निकल सकती है। और ये अपने एनिमी को फंसाने के लिए ये एक ट्रैप रहा होगा उस टाइम पे। और देखिए आप यहाँ पर कितनी हरियाली है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर से व्यू, और शहर भी बहुत प्यारा लग रहा है। भुज दोस्तों, तो ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हो मेरे सामने, ये ऊपर जा रही हैं और अब हम इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ेंगे। बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, तो वीडियो बनाना मुश्किल होगा क्योंकि एकदम खड़ी सीढ़ी पे अगर मैं मोबाइल पकड़ूँगा तो मैं अपने आप को कैसे संभालूँगा। तो आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के ऊपर का व्यू, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ आपके साथ जितना चल पाऊँ, फिर उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पर से कैमरा बंद कर दूँगा जिससे कि आप लोगों को ऊपर का व्यू मैं आराम से अच्छे से दिखा पाऊँ। तो चलिए साथ में चल रहे हैं देखते हुए ऊपर का व्यू, और हमारे चंदोला जी हमारे आगे आगे चलते हुए। भाई चंदोला जी की वजह से बहुत सहारा मिल रहा है मुझे इस सफ़र में, क्योंकि वो कभी कभी मुझे खींच के भी ले जाते, आदत छूट गई है हमारी पहाड़ों में चढ़ने की। दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, दोस्तों का साथ बहुत ज़रूरी है इस ज़िंदगी में, तो कभी भी अपने दोस्तों का साथ ना छोड़ें, वो आपके जीवन भर के साथ ही है। जैसे कि हमारे चंदोला जी जो कि अभी गुजरात में हैं, गांधीनगर में इस वक्त, फिर उसके बाद जहाँ भी होंगे हम वहाँ भी इनसे मिलने जाएंगे। हाँ ज़रूर, हम भी एक बार बेंगलोर ज़रूर आना चाहेंगे आपके पास। चलिए चलिए तो ऊपर चलते हैं। दोस्तों सीढ़ियों से भी मैं आपको व्यू दिखाता जा रहा हूँ, और यहाँ पर हरियाली बहुत है, अच्छा लग रहा है हरियाली की वजह से। मैं चाहता हूँ हमारा पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व क्या कहते हैं हरा भरा रहे और ऐसी ही हरियाली सब जगह रहे। बस सांसें फूल रही हैं क्योंकि ये देख सकते हो आप, मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ अभी। तो चलिए और चढ़ते हैं, फिर आप लोगों को और भी जगह दिखानी है यहाँ से। यहाँ पर बहुत ही ऊंची सीढ़ी है तो मुझे फोन रखना पड़ेगा। बब्बू बब्बू इधर देखो, बब्बू कैसे हो आप? ओ अभी ऊपर फोर्ट घूमने आई है और हमारे पास बहुत ही प्यारी लग रही है, क्यूट सी है। आप बताओ कमेंट्स में कैसी लग रही है ये। YouTube पे आओगे आप? सुने सो जाओ। सबसे पहले यहाँ पर जाके पड़ता है मंदिर, नागस्वामी का मंदिर है ऐसा बोलते हैं लोग। चलिए साथ में चल के देखते हैं कि ये मंदिर कैसा है और यहाँ क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये मंदिर है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ।
ये वैसे बंद है और मैं आपको यहाँ की मूर्तियाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जब भी आप कहीं पुराने उसमें जाते हैं फोर्ट्स में, तो आपको इस तरह के इंसेक्ट्स बहुत मिलते हैं। तो दोस्तों ये है वो रास्ता जो कि एक साइड पे जाता है इस फोर्ट के, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ। यहाँ से हम जाएंगे और वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है शहर का, तो हम आपको दिखाते हैं वो व्यू। एक व्यू तो यहाँ पर आ जाता है बीचों बीच में, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, बीच में आप देख सकते हो ग्रीन कलर का लेक है बीचों बीच में, तो वो मैं अभी आपको जूम करके दिखाऊंगा उसका पूरा व्यू कैसा लग रहा है वो। तब तक हम यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं और इधर से दूसरी तरफ का व्यू दिख रहा है, देखिए माउंटेन्स दिख रहे हैं बहुत ही प्यारे। चलिए आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों सीढ़ियाँ तो बहुत होती हैं हर फोर्ट में, वही सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम फिर पहुँच गए हैं। देखिए ये हम यहाँ पहुँच गए हैं और आपको दिखाते हैं ये फोर्ट यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। अब येलो कलर के इसमें स्टोन्स लगे हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं और क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए किले के सबसे ऊपर यहाँ पर एक नीम का पेड़ है जो कि दर्शाता है कि पत्थरों में भी जान है और वहाँ पे भी कुछ खिल सकता है। ये देखिए मंदिर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। अब चलते हैं आपको पूरे शहर का व्यू दिखाते हैं यहाँ पर से। यहाँ से हम आगे जा सकते हैं और ये देखिए वो देखिए आगे तक फोर्ट जा रहा है, लंबा डिस्टेंस है। तो आपको मैं शहर दिखाता हूँ, ये शहर है और देखिए ये है वो तालाब जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। ये लेक है यहाँ पर बना हुआ, बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का लेक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप देख सकते हो ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये है यहाँ का फोर्ट से व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए कितनी प्यारी बटरफ्लाई। दोस्तों होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने कमेंट ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में, और हमें जानकारी दें कि हम अपने ब्लॉग सही बना रहे हैं, आपकी अपेक्षा पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं। मैं अपने सारे कमेंट्स रोज़ पढ़ता हूँ जिससे कि मैं अपने व्यूअर्स के सवालों का जवाब दे सकूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ जिससे कि उनके विचार मुझे मिल पाएँ और अपने वीडियोज़ में इम्प्रोविजन ला पाऊँ और उनको दिखा पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद।